चैनल फूड्स मीडिया पर स्वागत करते हैं। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माता को दूध से निर्मित भोग लगाने पर माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब की हम माता को लौकी के खीर का भोग लगाते हैं। लौकी का खीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक लौकी, अच्छे से सॉफ्ट लौकी होनी चाहिए, उसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस करके इसको वॉश कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है सब निकाल दिया है। हमें अच्छे से सॉफ्ट लौकी ही लेना है जिससे कि वो जल्दी से पक जाती है। अब मैंने कुकर लिया है, उसमें डाला है एक बड़ा चम्मच भर के घी, फिर इलायची का तड़का देंगे और फिर हम लौकी को इसमें मिक्स कर देंगे, उसे तड़का दे देंगे। लौकी को अच्छे से भून लेंगे हम इलायची का अच्छे से महक आने तक। फिर इसमें मैंने आधा ग्लास तक पानी डाला है, हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा ही पानी डालना है। और फिर हम इसका ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, लौकी अच्छे से पक गई है। इसे मुझे पकाने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे हैं। अभी भी लौकी में बहुत सारा पानी है। अब हम इसे गैस पे चढ़ाकर अच्छे से भून लेंगे इसका पानी सूखने तक। जब तक लौकी हमारी भून रही है तब तक हम चढ़ा देंगे गैस पे दूध। दूध को भी उबाल लेंगे। दूध को पहले से उबाल कर डालने से ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लौकी के पानी से और उसमें दूध डाल दे तो खीर फट जाती है, इसलिए लौकी का पानी हमें अच्छे से सुखाना है। ये देखिए, लौकी का पानी लगभग सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप डाल सकते हैं। चीनी डाल कर भी भूंज लेंगे इसको, क्योंकि चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है। तो ये देखिए, लौकी भूनने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध को हम मलाई के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जिससे कि खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है। मैं इसे यहाँ ज़्यादा नहीं कुक कर रही हूँ क्योंकि दूध भी बॉयल है और लौकी भी अच्छे से भुनी हुई है। तो देखिए, बस इसमें 1 से 2 उबाल जैसे ही आने लगेगा वैसे ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी खीर बन के रेडी है। अब हम इसे निकाल कर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी लौकी की खीर बन के रेडी है। इसे मैंने बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग किया है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। और हाँ, दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।